अच्छा बेचते टाइम तो इतना अच्छे से बात कर रहा था, अभी जवाब नहीं नहीं देगा सर वो, कि मेरे को तो गाड़ी ऐसे मिल गई जैसे मैं जूते खरीदने गया हूँ। हजारों लोग मिले होंगे अब तक, डिग्गी छोटी है, डिग्गी छोटी, मेरे को इसमें लाशें थोड़ी ढोनी है। गाड़ी नहीं खरीदी आपने तो कंपनी ही खरीद ली, अब ऐसे में तो मैं 12-14 लाख का कोई प्लॉट ही ले लेता। जो ट्रैक्टर ट्रेली वाले भरते हैं ना थोड़ा, उस तरह से पैक कर दिया था मैंने, पूरी गाड़ी को पैक कर दिया था। तो फिर आप छोटा हाथी ले लीजिए ना, आपको सामान ज्यादा लाना ले जाना है तो। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आदित्य जी के साथ, आदित्य जी की XUV300, इनका एथर वाला वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा। और मुझे इनके साथ वीडियो बनाने में इतना मजा आ रहा है क्योंकि एक ऐसे ग्राहक हैं, ये अपनी रिक्वायरमेंट को जो है ना बड़ी सॉर्टेड रहती है इनकी, और उसी हिसाब से गाड़ी सेलेक्ट करते हैं, और उसी हिसाब से ये XUV300 लेकर आए हैं। पेट्रोल में है, 1.5 साल हो चुका है, 15,000 किलोमीटर चला चुके हैं। अब बात ये आती है, जो आपने एक्सपेक्ट किया था इस गाड़ी से वो मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, हमारे दर्शकों को बेझिझक बताना। गाड़ी चलाते चलाते करें क्या आज हैं? आ जाओ आप चलाओ गाड़ी। जब भी इस गाड़ी में बैठता हूँ ऐसा फील आता है कि मैं किसी बड़ी और चौड़ी गाड़ी में आ गया हूँ। हाँ ये चौड़ी है सर, मैंने भी नोट किया है, कंपैरेटिवली अपने सेगमेंट के हिसाब से चौड़ी है। तो यार एक बात बताओ मुझे कि ऐसा क्या महसूस हुआ आपको कि ये गाड़ी आपने लेनी चाहिए ही चाहिए? मेरी प्रायोरिटी सॉर्टेड थी सर, जैसा आपने बताया ना कि मेरे को क्लियर था कि मेरा माइलेज मेरा प्रायोरिटी नहीं था। 12-13-14 देगा तो भी चलेगा, 10 तक भी, कश्मीर में तो 9 की दी थी इसने माइलेज। अच्छा हाँ, तो ये मैंने तो ये समझ लो दिल्ली हरियाणा पंजाब कश्मीर तक मैंने इसको खींचा है। और दूसरी चीज ये है कि बड़ा अच्छा एवरेज निकालते हैं, जरा दिखाना आपका कितना आता है वहाँ पर? अभी तो अपना ऐसा ही है, 15 के आसपास ही है अपना। अच्छा हाँ। ये देखिए आप 14.9 का एवरेज शो कर रहा है। तो यार एक बात बताओ, आपको पता नहीं था कि टर्बो पेट्रोल है? और मेरे हिसाब से आपके पास नेचुरली एस्पिरेटेड होती तो आप तो उससे और अच्छा निकालते एवरेज। नहीं मेरे को एक्चुअली टर्बो का भी थोड़ा ये था कि टर्बो थोड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहता है, तो मेरे को वो भी चाहिए था कि थोड़ा सा एक किक भी रहे, तो इसलिए मेरे को टर्बो, हाँ अगर वो रहता तो और भी अच्छा, माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते तो। आपने इतना एक्सपेक्ट किया था इस गाड़ी से माइलेज? माइलेज मेरा एक्चुअली ज़्यादा एक्सपेक्टेशन सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे थी जो जो मेरे को लग रहा था मेरे लिए रिक्वायरमेंट है, वर्थ रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मेरा क्या था, एक तो सेफ्टी था, सेफ्टी ये ठीक है सुनने में अच्छा है, और जैसा रिव्यूज वगैरह देख ही रहे हैं तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। माइलेज मेरे को इतना एक्सपेक्टेड था नहीं, तो ये मेरे लिए अबव एक्सपेक्टेशन है। तो 15 का जो मेरा निकलता है, मैं अगर गांव की तरफ निकलता हूँ तो 16 भी निकलता हूँ, 16.5 भी निकलता हूँ, तो मेरे लिए तो वो विन विन है। हाँ सिटी में रहता हूँ तो 14-15 रहता तो अच्छा है मेरे लिए, और बाकी तो परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं सेटिस्फाइड ही हूँ। ज्यादा आप बोले थे कि XUV300 के लिए ही क्यों जाना हुआ, तो ज्यादा ऑप्शन तो थे नहीं मेरे पास, मेरे पास दो ही ऑप्शन थे। अच्छा इंडिया मेड पे ही जाना था मेरे को, तो मेरे पास नेक्सन और यही थी। नेक्सन मैंने देखा था, टाटा वालों के साथ मेरी बुकिंग भी थी नेक्सन XZA+ की 2019 में, बस वो मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा उनके साथ अच्छा रहा नहीं, वो थोड़ा सा वो डीलरशिप के उससे ही वो डील खराब हुई मेरी। वो डील बिगड़ने के बाद फिर मैं थोड़ा सा, मैंने एक्चुअली इसका बेस मॉडल देखा था W4, वो W4 तो मैं अंदर से वही खाली खाली था, तो मेरे को लगा नहीं कि ये लेने लायक है, तो मैं दोबारा देखी नहीं है, फिर मैंने नेक्सन बुक कर दी। अच्छा। फिर नेक्सन वालों के साथ मेरा एक्सपीरियंस ऐसा खराब हुआ कि फिर मैंने दोबारा यही देखी, कुछ एक दो आपकी वीडियोस में तो इस सेगमेंट की जब भी जिक्र होता है तो आप XUV300 को पता नहीं क्यों प्रायोरिटी पे रखते थे। S-Cross वाले को भी आपने बोला, आपने S-Cross ली, आपने XUV300 क्यों नहीं देखी? तो मेरे को कहना कि ये था कि इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं XUV300 के लिए। अब आप बताओ मुझे, आपको लेने के बाद ये चीज महसूस हुई कि हम गलत कह रहे थे या फिर नहीं? नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि ये अगर मैं बिल्ड क्वालिटी वाइज बात करूँ ना तो ये मुझे नेक्सन से स्लाइटली सुपीरियर लगती है। जैसे दरवाजे के वजन से ही पता चल जाता है। अच्छा। मोर और पीछे की सीट पे, इस गाड़ी की चौड़ाई के हिसाब से पीछे की सीट पे 3 आदमी कंफर्टेबली बैठते हैं। मैं नेक्सन में बैठा हूँ, नेक्सन में जो दरवाजे के और सीट के बीच में इतना प्लास्टिक का गैप है, कम से कम 6-8 इंच का प्लास्टिक का गैप है। अच्छा। जो कि आप किधर कमर पे चुभता है, यानी आप टेक्निकली बंदा तो सीट पे बैठेगा, प्लास्टिक पे तो कोई जाने वाला नहीं, तो 3 आदमियों के लिए भीड़ होती है वहाँ। और इसमें सीट पूरी डोर टू डोर सीट है, तो इसमें पीछे कंफर्टेबल है। उससे लोगों का इसकी डिग्गी के साथ बहुत इशू रहता है, आई डोंट नो भाई कि इतना डिग्गी का इतना के रिक्वायरमेंट है, तो अगर इतना है तो फिर आप छोटा हाथी ले लीजिए ना, आपको सामान ज्यादा लाना ले जाना है तो। अब आपको व्हीकल जैसा चाहिए, आपको कंफर्ट जैसा चाहिए, तो उस हिसाब से आपको कंपनी जो कॉन्फ़िगर करके दे रही है आप जाइए उसके साथ ना, ट्रस्ट कीजिए अगर आप पैसा डाल रहे तो। ठीक है, अब डिग्गी में मैं तो इससे कश्मीर से मैं 4 बार आया गया हूँ। अच्छा। ठीक है, जब मैं फाइनली आ रहा था तो मेरे साथ 4 बंदे थे, 4 बंदों का सामान था। मैंने गाड़ी को इतनी बुरी तरह से पैक कर दिया था जैसे जो ट्रैक्टर ट्रेली वाले भरते हैं ना थोड़ा, उस तरह से पैक कर दिया था मैंने, पूरी गाड़ी को पैक कर दिया था। और 4 आदमी हम कंफर्टेबली आए, वैष्णो देवी दर्शन करते हुए आए हम।
अच्छा हाँ, आराम से बैठे भी, सामान वामान सारा सेट कर दिया था। पता नहीं लोगों को इशू क्या रह जाता है। इशू तब होता अगर इसकी सीटें फोल्ड नहीं होती, सीटें 60-40 फोल्ड होती हैं। ठीक, मैं घर भी शिफ्ट किया मैंने अपनी गाड़ी में एक बार। अच्छा हाँ, 60-40 फोल्ड, दोनों सीटें फोल्ड कर दो ना, क्या पूरा बूट ही बूट है ये, क्या रह गया फिर इसमें। पता है लोगों को इशू कहाँ हो जाता है। एक बात बताओ यार, आप कह रहे हैं कि मुझे इंडियन ब्रांड्स में ही जाना था, अब आप देख सकते हैं कि मतलब जो बाहर के ब्रांड्स हैं, किया हो गई, हाँ, आपकी हुंडई हो गई, हाँ, उनके भी काफी अच्छे और रिलायबल प्रोडक्ट्स हैं, हाँ, तो थोड़ा सा बहुत आपको खींचा नहीं उनने, मतलब क्योंकि आप देख रहे हो कि मैक्सिमम लोग किया, हाँ, में जा रहे हैं, सोनेट ले रहे हैं, ओके, और आपका मारुति को भी बहुत प्रेफर करते हैं लोग, ब्रेजा हो गई, खैर अब तो फिर पेट्रोल में आती है, उसके बाद जो है हुंडई की वेन्यू वगैरह, ये सब चीजें पसंद नहीं है क्या ये गाड़ियां आपको? मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। तो चलो, हाँ, ब्रेजा का मेरा ओपिनियन ब्रेजा को लेकर ये है कि ब्रेजा जो मैंने पहली बार देखी थी ना, मैं वैसी आज भी वैसी देख रहा हूँ। अच्छा, ये तो सही बात है, कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ उसमें। आप ये नहीं बोल सकते ब्रेजा में ये बदल गया। मोर ओवर, एक मेरे फ्रेंड ने ब्रेजा ली थी काफी पहले, वो तो मैं ऐसे ही उसका कुछ सामान लेने देने उससे मिलने गया था ना, तो मैं उसकी गाड़ी के कैबिन में घुसा तो मेरे को एक वो प्रीमियम फील नहीं, उसने शायद 9-10 लाख की ली थी उस टाइम ना। अच्छा। तो जब मैं गाड़ी में अंदर घुसा तो मेरे को फील नहीं आई कि ये 10 लाख रुपए की गाड़ी है। अच्छा। ये ऊपर वाला हिस्सा, ये सब है ना, ये आगे वाला प्लास्टिक, ये स्पेस, वो सब एक ऐसा लगता है जैसे कि थोड़ा सा डाउनग्रेड क्वालिटी का है 10 लाख की गाड़ी के हिसाब से। तो ब्रेजा तो वहां से चली गई थी। फोर्ड एकोस्पोर्ट है, सेम फोर्ड एकोस्पोर्ट के साथ, ज्यादा इंप्रोवाइज उन्होंने किया नहीं, जो प्रोडक्ट शुरू में दिया था वही देते चले गए थ्रू एंड थ्रू ना, कुछ ऐसा मतलब आई कैचिंग रहा नहीं कि मैं पैसे डाल दूं तो मेरे को कुछ नया ही मिल जाए। जिसने 10 साल पहले पैसे डाले उसके पास भी सेम सा ही प्रोडक्ट है। बिल्कुल ठीक है। एक इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था, इसका और नेक्सन का क्या था कि फ्रेश प्रोडक्ट थे ना, आप पैसा डाल रहे हो तो आप कुछ नया खरीद रहे हो। अच्छा। ये था वेन्यू मैंने देखी थी। वेन्यू मेरे को ऐसा लगा कि हुंडई वालों ने सिर्फ इस लिहाज से बना दी कि कुछ तो देना ही है इस सेगमेंट में, चलो वेन्यू दे देते हैं, छोटी क्रेटा दे देते हैं, उसका परफॉर्मेंस इतना है नहीं, अंदर थोड़ा सा रिफ्रेशिंग लगता है, उसका इंटीरियर रिफ्रेशिंग है पर वो कुछ दिनों के लिए नया लगता है, वैसे वाला उसका वो है इंटीरियर, वो लंबा स्पेस इतना नहीं मिलता आपको जितना हाँ, इस गाड़ी में हाँ, मिला हुआ है। हाँ, स्पेस इसके अंदर स्पेस बहुत है, आप कंफर्टेबली आराम से कैसे भी बैठ सकते हैं आगे पीछे, कितने लंबे लंबे आदमी आगे पीछे आराम से बैठ जाते हैं। अब तो खैर लंबा छोटे की तो मैं क्या ही बात करूँ आपके सामने। अच्छा एक बात बताओ, जो ये आप 15 के एवरेज निकाल रहे हो वो क्या इस टाइप की सिटी के अंदर निकाल रहे हैं? ये एक्चुअली ये इतना सिटी भी नहीं है और इतना गांव भी नहीं, इतना मतलब हाईवे भी नहीं है, फिर भी दिल्ली आउटर तो इतना निकालना यार मजाक बात नहीं है। 14.9 मैं दिल्ली आउटर में ही हूँ भी ना, तो दिल्ली आउटर में मेरा यही है कि रुक गई चल गई वाला, इतना ट्रैफिक वाला नहीं है कि पहले गियर से नहीं उठ रही गाड़ी, तो ये है। अगर ज्यादा दिल्ली चला जाता हूँ, डीप दिल्ली जाऊंगा तो 14.5 हो जाएगा, 14 हो जाएगा ज्यादा। अच्छा, और अंतर हाँ, और अगर मैं हरियाणा साइड चला गया कहीं अपने गाँव साइड जाऊंगा तो 16 भी कर दूंगा, 16 भी हो जाएगा। सही है यार, आप रीसेट करते हैं बार बार इसको? नहीं, इसको रिसेट नहीं है, ये तो चल रहता ही है, ये रहता ही है, जैसा चलेगी उसके हिसाब से। अगर मैं इसको भी रफली चलाऊंगा तो कम हो जाएगा, दो मिनट में कम होकर दिख जाएगा आपको। अगर इसको और बेटर कहीं खुले में चले जाएंगे तो और अच्छा इसका आपको मिल जाएगा। आपको क्वालिटी कैसी लगी गाड़ी की, मतलब जैसे प्लास्टिक क्वालिटी हो गई है, बाकी जो गियर लीवर की क्वालिटी जो भी हम फील करते हैं इस गाड़ी के अंदर, वो कैसी लगी आपको? जितनी इस गाड़ी की वैल्यू अपने सेगमेंट की, मेरे ख्याल से महंगा प्रोडक्ट है। बिल्कुल है, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये वर्थ इट है। अच्छा, ये वर्थ इट है। जैसा हम बात कर रहे थे ना इथर के बारे में, बात किया था कि आप अगर किसी सेगमेंट का महंगा प्रोडक्ट उठा रहे हो तो आप निश्चिंत होकर उठा सकते हो, क्योंकि कंपनी कुछ ज्यादा ले रही है तो R&D ने कुछ ना कुछ अच्छा काम करके उसमें दिया है, कुछ तो एक्स्ट्रा दिया ही होगा ना उतने पैसों में। बिल्कुल, तो वो मैं सॉर्टेड था तो मुझे वर्थ इट लगा कि मैं अगर इतने ज्यादा पैसे दे रहा हूँ तो इसमें ये कुछ ना कुछ क्वालिटी वाइज या कुछ परफॉर्मेंस वाइज कुछ ना कुछ मुझे बाकी चीजों से 21 मिलेगा, वो मैं हूँ निश्चिंत हूँ उस बारे में। अब देखो सेगमेंट में रियर डिस्क ब्रेक किसी भी हाँ नहीं है, ये नहीं है। डबल डिस्क का ये फायदा रहता है कि आप कॉन्फिडेंट रहते हो अपने व्हीकल को लेके कि मैं जहाँ ब्रेक मारूंगा वहीं गड़ जाएगा, मैं जिस तरफ अपने हिसाब से चलेगा व्हीकल फिर ये जैसा आप चला रहे हो। ये आपने सही बात बताई है, नहीं उसमें सेगमेंट में, हाँ पूरे सेगमेंट में है नहीं फिर ये। दूसरा, ये 3 सिलेंडर इंजन होने के बावजूद भी इतना रिफाइंड, हाँ ये ताजुब वाली बात है। हाँ। टाटा का देख लो और आप हुंडई के, हाँ, टर्बो GDI देख लो, हाँ, उसमें हल्की सी दरक रहती है, दरक एक साउंड रहती है, हाँ, एक्स्ट्रा साउंड रहती है, वो इसमें नहीं है। ये सही बोला आपने, ये थोड़ा सा मुझे भी इस मामले में इंजन्स की तो मुझे ज्यादा जानकारी थी नहीं जब मैंने व्हीकल लिया था। मैं तो एक तो आपने घुसा दिया था दिमाग में XUV 300 की, तो मेरे को लगता था कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट में दम है। देखो आप स्पेंड कर सकते हैं ना, मतलब ये प्रोडक्ट महंगा है, हाँ ठीक है, स्पेंड आप कर सकते हैं तो ये आपको निराश नहीं करेगा, हाँ, आप इसको एंजॉय करें। अब बात आई, आप जैसे दूसरा प्रोडक्ट नेक्सॉन देख रहे थे, नेक्सॉन भी अपने आप में एक बहुत वैल्यू फॉर मनी, बहुत वैल्यू फॉर, जिस पैसे में वो मिलती है ना गाड़ी, उस हिसाब से जरूरत से ज्यादा मिल रहा है उसमें
ऐसा महसूस होता है। एग्जैक्टली है, ऐसा ही है। अगर आप एक सर्टेन अमाउंट लेके चल रहे हो ना, एक सर्टेन बजट है कि इतने तक ही लूंगा, तो मैं इनफैक्ट लोग अगर सजेशन मांगते हैं ना कि यार मेरे को ऐसी सी गाड़ी चाहिए लेकिन बजट ऐसा सा है, ये आ जाएगी, इसका वो मॉडल आ जाएगा, तो बोलता हूँ इतने पैसे में नेक्सॉन का वो मॉडल आ जाएगा कि इससे ज़्यादा फीचर मिल जाएंगे, क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी है, वो नो डाउट वो वैल्यू फॉर मनी है। बट अगर आपके पास थोड़ा सा बजट एक्सटेंड आप कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप एक्सपेरिमेंटल फेज में जाना चाहते हैं ना, कि नेक्सॉन मान लो किसी रिलेटिव के पास है, टेस्टेड है, आपको लग रहा है कि उसकी अच्छी जा रही है, तो इसको रिलाई कर सकते हैं उस प्रोडक्ट पे कि ये है। अच्छा, एक और ये सवाल हम सभी से ऑलमोस्ट पूछते हैं जो कॉम्पैक्ट एसयूवी के टॉप मॉडल में जाते हैं। आपने गाड़ी 12.5 के आसपास ली थी, है ना, आप इस बजट में आप उस टाइम पे क्रेटा भी ले सकते थे, बेस मॉडल, है ना, उस टाइम पे अच्छे फीचर्स भी आते थे, उसमें कटौती नहीं की गई थी उसमें। एक ये आपने सही बात की है ना, सब पूछते हैं मेरे से, अरे इससे अच्छा तो वो ले लेता, उससे अच्छा तो वो, तो ऐसे मैं ऐसे डिसीजन नहीं लेता कि बुआ लड़का होता तो ताऊ होता, ऐसे नहीं होते डिसीजन लाइफ में ना, कि अब किसी ने अब मेरे को क्रेटा नहीं तो क्रेटा ही लेता मैं, अगर मेरे को सिर्फ बॉडी और स्पेस चाहिए तो मैं क्रेटा ले लेता। मेरी प्रायोरिटीज क्या थी, कि मेरी प्रायोरिटी थी मुझे एक फुली लोडेड गाड़ी चाहिए, मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए कि मैं उसको किसी भी वर्कशॉप पे खड़ी ना करूँ ले जाके, मैं इसका तार भी नहीं छिड़वाऊंगा, कैमरा है कंपनी फिटेड है वेरी गुड, एंटीना है तो जैसा आ रहा वैसे ही है। मैंने देखा है लोग इसको हटवा के शार्क फिन लगवा लेते हैं, नहीं मेरी नहीं है वो प्रायोरिटी, नहीं है, लोग मेटिंग करा लेते हैं। मैं गया था, मैंने कहा इसमें नीचे मेटिंग वगैरह कर दो, तो बोले कि हाँ ठीक है सीटें हटा देते हैं, तो मैं मना कर दिया, मैंने कहा नहीं यार, क्योंकि एयरबैग वगैरह वाला सीन था, गाड़ी छिड़ेगी तो फिर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं रहता दोबारा व्हीकल पे बैठने में। तो मैं टॉप मॉडल के साथ इसीलिए गया, अगर आपका बजट है और आप निश्चिंत चाहते हो तो आप टॉप मॉडल के साथ जाइए, आपको लगेगा, आपको खुद के दिमाग से लगेगा, लोगों की सलाहों से ऐसा लगेगा कि आपने जैसे कुछ ज्यादा पैसे दे दिए, लेकिन वो वर्थ इट होगा, आप जाओगे तो आप निश्चिंत रह पाओगे, इसलिए मैं टॉप मॉडल मैंने लिया। और थोड़े सी ये सनरूफ वगैरह वाला चल ही रहा था थोड़ा सा, तो ये भी आ ही गया उसमें, तो अच्छा हुआ। वैसे यूजेस है इसका, आप करते हैं वैसे सनरूफ का? मैं थोड़ा सा टेक्निकल यूज ले लेता हूँ कि धूप में जब गाड़ी खड़ी रहती है तो सनरूफ खोल के थोड़ा एसी ब्लोअर ऑन कर देता तो थोड़ा सा फास्ट कूलिंग रहता है कंपैरेटिवली अगर नॉर्मल गाड़ी ठंडी होती है उससे। और मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं, थोड़ा बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, थोड़ा सा एडवेंचर सा बच्चों को लगता है ठीक है, तो वो भी है। वो सच कोई मतलब है नहीं कि अगर सनरूफ नहीं होता तो है मैं तो लूट ही गया होता, वैसे वाली फीलिंग नहीं है, नहीं होता तो भी चल ही जाता। ये कॉस्मेटिक्स ही है गाड़ी का ना, जब आप ऑप्शनल के लिए जाते हो तो दो चार कॉस्मेटिक चेंजेस ही आप खरीदते हो, ज्यादा कुछ नहीं खरीदते। अच्छा एक बात बताओ, 15,000 में इतनी तो चीजें समझ में आ गई होगी कि यार ये चीज इम्प्रूव होती या फिर ये चीज इसमें होती तो ये और अच्छा प्रोडक्ट हो सकता था। मैं इस प्रोडक्ट से अगर मैं कहूँ ना तो मैं इस प्रोडक्ट से 100% सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा। मेरे को हजार लोग मिले होंगे अब तक, डिग्गी छोटी है, मेरे को इसमें लाशें थोड़ी ढोनी है मेरा तो जो काम है मेरा चल ही रहा है ना, मैं सेटिस्फाइड हूँ इससे। अगर आपकी प्रायोरिटी सॉर्टेड है सर तो आपको कोई इशू नहीं होने वाला। हाँ आप एक्सपेक्टेशन ज्यादा रख के चलोगे, अब आप फिर वही क्रेटा वाली सलाह देते हैं लोग, बोलते क्रेटा ही ले लेते, नहीं आप लोगों को एक्चुअली लोगों को नॉलेज नहीं है, वो सेगमेंट दूसरा है, वो 4 मीटर से लंबी गाड़ी है उसका टैक्स ज्यादा रहेगा। ये सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट आया ही इसलिए था, कॉम्पैक्ट सब 4 मीटर वाला कि सेगमेंट, ताकि वो टैक्स वाला चक्कर था, 4 मीटर से छोटी गाड़ी रहे सस्ती पड़े, बिल्कुल ठीक है ना, लोगों को जानकर क्रेटा से ऐसे करते तो वैसे ही हो जाता, इतने में तो हो जाता। अब ऐसे में तो मैं 12-14 लाख का कोई प्लॉट ही ले लेता प्लॉट पे बैठ के शादी थोड़ी जाता मैं फैमिली को लेके, तो लोगों को यही नहीं रहता कि क्या ही सलाह दे दे, क्या ही कंपेयर करके दे दे, ठीक है। आपका कंपैरिजन जायज था, मैं इसको क्रेटा से ना करके मैं इसको ब्रेजा से करूं, मैं इसको वेन्यू से करूं, मैं नेक्सन से करूं, WRV से करूं, तो फोर्ड इको स्पोर्ट से करूं, ये जस्टिफाइड है। तो उसी हिसाब से तो लोग देने को सलाह कुछ भी दे देते हैं, कमियां निकालने को कुछ भी निकाल देते हैं, लेकिन मैं अपने प्रोडक्ट से 100% सेटिस्फाइड हूँ। थोड़ा थोड़ा इनका सर्विस स्टेशन वालों का कभी कभी रहता है, लेकिन वो दिस इज ऑल अबाउट कि आप डील कैसे करते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, आपको डील करना आना चाहिए, आप वहाँ से भी काम निकाल सकते हैं, मेरा निकल ही जाता है। और बात ये है, अच्छी चीज क्या रही, आपने जो है टॉप मॉडल लिया, क्योंकि इसकी जो एसेसरीज वगैरह है बेस मॉडल लेने के बाद वो थोड़ा सा मुश्किल है उसको मिलने, जैसे ब्रेजा में बड़ी आसानी से हो जाता है, सही बात है, हुंडई की वेन्यू में हो जाता है, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा मुश्किल है। बेसिक ये देखो, चाबी का कवर में इसका रेनॉल्ट का डाले घूम रहा हूँ, रेनॉल्ट का महिंद्रा का मिल नहीं रहा बताओ, ठीक है, ये इशू है, ठीक है ना, ये आपने प्रैक्टिकल इशू पकड़ा इसका। लेकिन फिर अगेन यही वही बात है कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि जिसकी वजह से हम ये सोच दे कि यार ये गाड़ी कवर नहीं मिल रहा, चाबी का मैं गाड़ी नहीं लेता, ये दूसरी लूंगा, ब्रेजा का कवर मिल रहा है, ऐसा एक और एथर में दिख गई यहाँ पे, एथर भी ट्रेंड में इसका मतलब है।
आपको कितने टाइम पे मिली थी गाड़ी? ये मेरे को तो 1-1.5 महीने में मिल गई थी, उस टाइम मैं लॉकडाउन में ली थी। अच्छा। हाँ, मेरे को तो मतलब लॉकडाउन जस्ट खुला ही था, धूल खा रही थी गाड़ियाँ पड़ी पड़ी, स्टाफ नहीं था मेरे साथ, तो इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा इनका। अच्छा। कि मेरे को तो गाड़ी ऐसे मिल गई जैसे मैं जूते खरीदने गया हूँ, और ना कोई मेरी सेरेमनी हुई, ना कोई मेरा केक रिबन, कुछ नहीं हुआ, ऐसे जैसे मरेसे पे गए थे गाड़ी ले आए। अच्छा। वैसा सा हो गया, कुछ फील ही नहीं हुआ गाड़ी वाला। वो शोरूम वाले भी अपोलोजेटिक मोड में थे कि सर सॉरी स्टाफ ही नहीं है, क्या करें। उस टाइम की सिचुएशन थी, तो हम तो गाड़ी ऐसे ले गए जैसे ऐसे कुछ और लेने गए थे, गाड़ी ले आए। देखो मैं बोल रहा था अच्छा चलाएंगे तो परफॉर्मेंस होती है, अभी देखो ढंग से चले 15 हो गई है, थोड़ा ऐसे ही चलेंगे तो और बढ़ जाएगी शायद। मतलब आप लाइट फुट में चलाने वाले हो? हाँ, नहीं मैं भगाता भी हूँ ऐसे, बस घर वाले वीडियो ना देखेंगे। ठीक है, भगा भी लेता हूँ कभी कभी। मेरे को रात में ड्राइविंग से बड़ा एलर्जी है। अच्छा। मैं नहीं चलाता रात में गाड़ी, तो मेरे को ये रहता था कि रात होने से पहले चंडीगढ़ पहुँच जाऊँ, तो उस टाइम भगा भी लेते थे। चलो, रात में चलाने में जिसको परेशानी होती है, जिसको एलर्जी होती है, उसके लिए बड़ा वैलिड सवाल आ जाता है कि इसकी हेडलाइट की परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है? हाँ, थोड़ा कम है। अच्छा। हाँ, जो एक आप एक्सपेक्ट करते हो ना 12-14 लाख की गाड़ी से कि पता नहीं क्या ही थ्रो होगी लाइट की, वैसा नहीं है। मतलब स्कोप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन है लाइट्स में है। अभी गाड़ी तो प्लेन रोड में चल रही है, अच्छी खासी रोड में चल रही है। जब आप कभी टूटे हुए रास्ते में जाते हैं तो गाड़ी से कोई आवाज आती है टर्न पर, चींचा इस टाइप की आवाज प्लास्टिक से? बड़ी बंधी बंधी सी गाड़ी है, अगर लेमैन लैंग्वेज में बताऊं ना तो जैसे बंधी सी गाड़ी, ऐसा लगता नहीं कि कुछ लूज टाइप है। हाँ, और दूसरा क्या है कि अपने सेगमेंट के हिसाब से इसका व्हील बेस सबसे कम है, वो सॉरी ग्राउंड क्लियरेंस है ना, उन गाड़ियों को देखते हुए ये थोड़ी नीची मानी जाती है, ब्रेजा वगैरह नेक्सन को देखते हुए, बट ये फिर भी नहीं लगती क्योंकि ये बाकी नॉर्मल गाड़ी से तो ऊंची है, अपने सेगमेंट में तो नीची है। तो गड्ढों में ले जाना मेरे को कभी कोई डाउट रहता नहीं कि ये लग जाएगी कहीं, नहीं लगती है, आराम से चली जाती है। और मोर ओवर ये कंफर्टेबल व्हीकल है, आपको अंदर बैठने पे भी ऐसा नहीं लगता। और अगेन जो फिट एंड फिनिश है वो डिसेंट है, ऐसा कहीं से साउंड वाला अब तक तो मेरे साथ इशू हुआ नहीं है। एक लेते ही हो गया था शुरू में, ये जो हल्के हल्के ये बटन्स हैं वहाँ निकला हुआ, देखो टेप लगा होगा, वो मैं शुरू में लगा देता, ये जो है ना ये हल्के से बटन से, ये दूसरे चौथे दिन ही झड़ गए थे मेरे। अच्छा। हाँ, ये मैंने उनको बोला भी था, फिर उनका वही घिसा पिटा सा जवाब, ये कर दें सर क्या ही करें फलान ढिमकान। मैं ज़्यादा चक्कर काटे नहीं इसका, अपना देसी सोल्यूशन मारा, टेप हो गया काम, अब इसके लिए क्या ही लेके घूमता रहूँ मैं, ये 5-10 रुपया ढक्कन, इसके लिए 100 रुपया पेट्रोल फूक देता हूँ उनके पास, 500 कॉल करने पड़ते हैं। आप ये एक्सपेक्ट करते हो ना कि आपने गाड़ी नहीं खरीदी, आपने तो कंपनी ही खरीद ली, तो आप दुखी होते हो। बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल, आप भी कहीं काम करते हो, हम भी कहीं काम करते हैं। हाँ। आप जितनी लगन से काम करते हो ना, सामने वाला भी उतनी सही करता है, आप देख लो जितनी लगन से आप करते हो उतनी सही आपको मिलेगा वापस। बिल्कुल, आप पॉइंट है यहाँ पर, तगड़ा है। गाड़ी खरीदते हैं सर हम, कंपनी हम फील ये ले लेते हैं कि अच्छा बेचते टाइम तो इतना अच्छे से बात कर रहा था, अभी जवाब नहीं देगा सर, वो नहीं देगा ना सर, उसका काम हो गया, उसको बेचनी थी गाड़ी, उसका काम हो गया, उसका जो इंसेंटिव आना था उस व्हीकल का आ चुका वो, ठीक है, अब क्या ही अटक गया, अब तो वो रेटिंग बची है बस, 10 में से क्या देंगे, वो कॉल बैक आता जब अपने पास, उससे उनका कुछ होता नहीं है। तो थोड़ी एक्सपेक्टेशन अगर सॉर्टेड रखें, आपको पता होना चाहिए कि मैं इनसे क्या ही ले सकता हूँ, ये मेरे को क्या ही दे सकते हैं, तो दुख नहीं होता आदमी को। और फिर आप ये सोचो कि मेरा तो ये भी खराब हो, ये भी यही ठीक करके दें, तो वो पॉसिबल नहीं, फिर तंग होने वाली बात है। अच्छा, पहाड़ों में कैसी रही इसकी परफॉर्मेंस? पहाड़ों में अच्छी थी, बस माइलेज तो 9 पे चली गई थी इसकी, जब वहाँ टेम्परेचर -15 था। अच्छा। -15-17 रहता था, तो वहाँ इसकी एवरेज 9 पे थी, लेकिन अगेन वही कि मेरे को माइलेज का कुछ ज़्यादा ऐसा था नहीं, क्योंकि 12 महीने तो सर्दी रहने वाली है नहीं, 12 महीने तो 9 रहेगा नहीं, वो 2-3 महीने ही रहेगा, तो उस हिसाब से मेरा अच्छा रहा वहाँ भी, ऐसा कुछ मैं ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। ठीक है, कैंप के अंदर चलते हैं हमारी गाड़ियाँ, कैंप के अंदर हम ये वेल डिफाइंड रहती हैं स्पीड्स वगैरह, 30 से ऊपर आप जा नहीं सकते, तो 30 से ऊपर में आप क्या ही माइलेज सोच लोगे, क्या ही माइलेज आएगी, वो तो वैसे भी कम ही हो जाएगी, दूसरे से तीसरा गियर गाड़ी कभी कभी पकड़ती थी, तो माइलेज का वहाँ तो कोई आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि माइलेज कोई अच्छी रही होगी, माइलेज थी नहीं अच्छी। लेकिन फिर वही है कि कोरोना टाइम में मैं गया भी था इससे, तो कोरोना टाइम में मैं उस दौरान बिल्कुल पीक कोरोना टाइम ही था जब मैंने ये ली, तो मैं तभी लेते ही चला गया था इसको, तो मैं रास्ते में जहाँ रुका था मैं गाड़ी में अपना सीटें वीटें फोल्ड करके अंदर ही सो गया था, कंफर्टेबली अच्छा था, स्पेस ठीक था, सीट फोल्ड होने के बाद आराम से एक आदमी सो सकता है, 2 भी सो सकते हैं। तो कश्मीर तक मेरा इसने बढ़िया सफर मेरा रहा, इसी में आना जाना। इनकी रिक्वायरमेंट जो थी उस हिसाब से पूरी फुलफिल हो रही है, 100% बोल रहे हैं कि ये मैं इस गाड़ी से संतुष्ट हूँ, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप कोई भी प्रोडक्ट लेंगे, दुनिया के लिए वो बहुत बेकार होगा, लेकिन आपके लिए वो सारी आपके जो एक्सपेक्टेशन है उनको फुलफिल कर रहा है, तो वो बेस्ट प्रोडक्ट है। आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है, और आदित्य भाई को जो है
अच्छा खासा कंफर्ट भी मिल रहा है, गाड़ी में सो भी जाते हैं, और हम शिकायत करते हैं कि बूट स्पेस नहीं है, बूट स्पेस नहीं है। घर शिफ्ट कर दिया इन्होंने, है ना, चार लोग, सारा मतलब कहाँ से, जम्मू से हो भी? ये हाँ, कश्मीर से आए थे हम, वैष्णो देवी होते हुए आए थे। मतलब इस गाड़ी का एडवांटेज यही है कि मेरे को अगर मैं सपोज घरवाले से झगड़ा हो जाए तो ये चिंता नहीं कि रात को सोना कहाँ है, ये अपना गाड़ी में सो जाओ आगे। तो अच्छा लगा इनसे मिलके, काफी अच्छे इनपुट दिए आपने और काफी चीजें क्लियर भी करी। जी सर, है ना, 15,000 किलोमीटर कम नहीं होते, वो भी पेट्रोल गाड़ी के साथ, या 1.5 साल के अंदर अच्छा खासा रन है इनका, और लंबी दूरी भी तय करते हैं। सबसे अच्छी बात एवरेज निकाल रहे हैं यार, वो भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी से, अब बताओ आप। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आप भी अपनी गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो नीचे ईमेल आईडी है, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय। थैंक यू भाई, थैंक यू।